the all three consecutive terms of one plus x raised to power n plus 5. ठीक है, ये binomial दे रखी है, one plus x raised to power n plus 5 are in ratio 5:10:40. The value of n is, ठीक है, तो ये बेटा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, जेई एडवांस 2013 में आए थे, ठीक है, करोड़ वाइज सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो बेटा मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस एक्स एन प्लस 5 को ना कैपिटल एन मान लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमें कंसेक्यूटिव टर्म लिखने में दिक्कत ना हो, कैपिटल एन मान लेता हूँ, ठीक है, तो इसकी मान लो एनसीआर कोई टर्म है, एनसीआर अपॉन एनसीआर प्लस 1 क्या दे रखा है उसका रेशो 5/10, अरे सही है, और एनसीआर प्लस 1 अपॉन एनसी आर प्लस टू क्या दे रखा है मेरे को 10/40, ये चीज समझ आई, अरे सही है। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं, एनसीआर क्या आता है बेटा, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल टू एन माइनस आर फैक्टोरियल, अरे ठीक है, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर प्लस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर माइनस वन, इन दोनों को डिवाइड किया ना, ये वैल्यू क्या आ रही है, 5/10 आ रही है। अब देखो बेटा ये जो चीज है ना r प्लस 1 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल से कट जाएगा क्योंकि इससे पिछली टर्म यही होगी, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, n माइनस r और n माइनस r माइनस 1 से ये कटेगा ना, इससे जस्ट पिछली टर्म है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, r प्लस 1 अपॉन n माइनस r, ये चीज समझ है, इक्वल टू 5/10, अरे ठीक है, r प्लस 1 अपॉन n माइनस r आया ना, ऐसे ही ये टर्म क्या है, अब इसको लिखता हूं, ठीक है, ये क्या आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये पूरा डिवाइड बाय ये क्या आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल, ये चीज समझ आई, ये 10/40 दे रखा है ना, अब देखो इसमें ये इससे कैंसिल आउट हो गया, r प्लस 1 है और ये r प्लस 2 है, क्या बचेगा यहाँ पे, r प्लस 2, ये n माइनस r माइनस 1 है, तो इससे ये खत्म हो जाएगा, अरे सही है, तो कुल मिलाकर तुम्हारे पास बचेगा क्या, r प्लस 2 डिवाइड बाय n माइनस r माइनस 1 इज इक्वल टू 10/40, ये चीज समझ आई, ये दो इक्वेशन मिल गई ना हमें, अब मैं क्या करता हूं, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेता हूं, क्या लिखता हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये आएगा 10r + 10 10r + 10 इक्वल टू 5 ये आ गई तुम्हारे पास पहली इक्वेशन, सेकंड से क्या आ जाएगा 14r + 28 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 10n - 10r - 10, अरे सही है, तो ये सुपर इधर ले आया था क्या है 24r
अरे सही है, yes, 24 आर प्लस 38 इक्वल टू 10 है, ये सेकंड इक्वेशन, अरे सही है, yes, अब तुम्हें जैसे सही लगता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा, yes, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो क्या आएगा ये, 30 आर प्लस 20, 10 है, अरे सही है, yes, अब इसको और इसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, अरे यही तो है, yes, इससे इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या है, 6 आर, ये क्या आएगा बेटा, माइनस 18, माइनस 18, 18 आर तो ये है, इसी को तो 0, आर की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, 3, अरे सही है, yes, तो आर की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पुट कर दो, एन की वैल्यू क्या आ रही है, 90, 110, 11, अरे सही है, एन की वैल्यू आ गई 11, अब देखो ये वो वाला एन नहीं है जो हमें निकालना है, ये क्या है जो हमने अज्यूम किया है, तो कैपिटल एन मैंने किसके बराबर माना था, स्मॉल एन प्लस 5, 11 इज इक्वल टू स्मॉल एन प्लस 5, ठीक है, तो स्मॉल एन की वैल्यू क्या जाएगी, 6, तुम्हारे इंटीजर टाइप क्वेश्चन का आंसर क्या है, 6, अरे समझ आ गया ढंग से, यस सर, नोट कर लो।